नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ एस एन एन न्यूज़ चैनल में। आज हम अपने खास मेहमान शिक्षा क्लासेस की डायरेक्टर मिसेस कल्पना सिंह जी से बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं आज मिसेस कल्पना जी से। हम जानेंगे मैम से, मैम आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ है दिल्ली में, बट जो मैं बिलोंग करती हूँ मैं बिलोंग करती हूँ अलीगढ़ से। मेरी जो स्टडीज है, आई डन माई एमबीए फ्रॉम दिल्ली एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन माई बैंकिंग करियर। मेरे बैंकिंग करियर में 12 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने ये अपना शिक्षा क्लासेस ज्वाइन किया है अभी अक्टूबर 2020 में। शिक्षा क्लासेस जो इस्टेब्लिश हुआ था, इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 3rd February 2016। इससे पहले हम अपने घर में ही कोचिंग चलाते थे और उसके बाद हमने इसको ऑथराइज किया था 2016। उसके बाद से हम लोगों ने फोकस किया बच्चों के ऊपर कि इसमें कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चों के पास क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम उनको गाइड करके उनको अपने करियर में आगे लेके जा सकते हैं। आपके यहाँ पर किस किस क्लासेस की तैयारी कराई जाती है, किस किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाती है आपके यहाँ पर? शिक्षा क्लासेस बेसिकली तैयारी कराती है SSC CGL, CHSL, UP पुलिस, UPSI, लेखपाल और अपने और भी जितने तरह के कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल एज वेल एज सेंट्रल लेवल, दोनों तरीके की कोचिंग्स की तैयारी कराती है। मैम, अब तक आपके यहाँ से करीब कितने बच्चों को सफलता प्राप्त हुई, अब तक कितने बच्चों ने सक्सेस हासिल कर लिया आपके यहाँ से? हमारा जो अगर सक्सेस रेशो देखा जाए, हमारा भी 5 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, बट इस दौरान में हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर एज वेल एज एज इनकम टैक्स ऑफिसर। हमारे 10 SI सिलेक्ट हुए हैं जिनकी अभी पोस्टिंग आने वाली है और 150+ कॉन्स्टेबल्स हुए हैं। टैट के अगर हम बात करते हैं तो हमारे टीचिंग लाइन में भी अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जॉब रिसेंटली मिली है। तो जो हमारा सक्सेस रेशो है वो काफ़ी हाई है और उसका जो मेन श्रेय है वो मेरे हस्बैंड को जाता है जिन्होंने सबको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी अपने ड्यूरेशन में। मैम, जब बच्चा आपके यहाँ पे एडमिशन लेता है तो आपका ज़्यादातर किस चीज़ पर फोकस रखता है कि उसको सफलता प्राप्त हो? आप किस किस लाइन में उसको, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कराना होता है एंड देन जो भी चीज़ें होती हैं, आप किस किस फील्ड पर उसको फोकस करते हैं? जो हमारे शिक्षा क्लासेस का एम रहता है वो 2 ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। फर्स्ट रहता है आपका डिसिप्लिन, कि आप कितने डिसिप्लिन हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, कि आप रूटीन बना पा रहे हैं, शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड रहता है डेडिकेशन, कि आपने जो मन में ठाना है शुरू में कि आपको ये करना है, आपको इसकी तैयारी करनी है, तो लास्ट तक वो डेडिकेशन रहना चाहिए। 2 चीज़ें हैं जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैम, आपकी जो शिक्षा क्लासेस है इसकी कहाँ कहाँ कहीं और भी ब्रांचेस हैं इसकी अलीगढ़ में? एक ब्रांच हमारी यहाँ पर है रामघाट रोड पे अपोजिट टू HDFC बैंक। एक और ब्रांच है हमारी जो है क्वारसी पर, क्वारसी चौराहे के पास ही है। हमारी 2 ब्रांचेस रन करते हैं। तो मैम, दोनों को आप मैनेज करते हैं? हाँ, हम दोनों ही ब्रांच मैनेज करते हैं, दोनों के स्टाफ हम लोगों का सेम है। मैम, जो आपके यहाँ जो पहले से ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं उनको कि वो आगे लाइफ में सपोज डेट उनका X/Y 1% नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो फिर उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बच्चों को 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है, एक है डिसिप्लिन, डेडिकेशन। अगर हमारा किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थिति की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होना चाहिए तो हमें किसी प्रकार से हताश नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि हमारा नहीं होगा। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता बट सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अपनी गलतियाँ पता पड़ती हैं कि हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, वो सच है। हमारे यहाँ पे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने दूसरी बार में एग्जाम निकाले हैं और आज वो अपनी पोस्टिंग उनकी हो चुकी है ऑलरेडी। मैम, आपने अपनी कोचिंग की शुरुआत कब और कैसे करी? कोचिंग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 February 2016, जो कि मेरे पति ने करी थी, मिस्टर योगेश सिंह ने। उसके बाद उन्होंने इस कोचिंग को यहाँ पर, घर के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया, हमने फिर इस कोचिंग को चलाया। बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न मिसहैपनिंग जो मेरे हस्बैंड के साथ हुई August 2020 में, उसके बाद फिर मैंने इसका देख रेख शुरू करी है कोचिंग की। मैंने October 2020 से कोचिंग का कारोबार संभाला है। मैम, आप हमारे HBN न्यूज़ चैनल के अक्सर दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं?
मैं सब विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि वो आप आगे बढ़े और नए अपॉर्चुनिटीज़ देखें। आपके पास अपॉर्चुनिटी ट्वेल्थ के बाद भी है और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके बाद भी है, उनके पास इस समय सुनहरा अवसर है किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए। 2021 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी जुटकर तैयारी करनी चाहिए बच्चों को और उसके लिए धैर्य बना के रखना है। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।